नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज लगातार दूसरे दिन ईडी ने बुलाया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर एवन संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। जी जी ज्योति, बताएं क्या कुछ अपडेट है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस तीसरी पूछताछ के लिए सोनिया गांधी निकल चुकी हैं अपने आवास ईडी दफ्तर के लिए और वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज उनसे सवाल जवाब का तीसरा दिन है और तीसरी बार उनसे ये पूछताछ की जाएगी। अगर हम कल की बात करें, जब दूसरे राउंड की बैठक पूरी हो चुकी थी और करीब 6 घंटे तक ये पूछताछ चली, वहीं पहले दौर की पूछताछ 2 से 2.5 घंटे तक चली, यानी कि कुल मिलाकर अभी 8 से 8.5 घंटे की पूछताछ खत्म हो चुकी है, पूछताछ उनसे की जा चुकी है। अब आज जब वो उनको 11 बजे बुलाया गया था और वो ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं और ईडी ऑफिस पहुंचने के बाद उनसे फिर से सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं इसी दौरान आज सुबह 10 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए ईडी पर निशाना साधा और ईडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ईडी ने पूरे देश भर में आतंक फैला रखा है और इस वक्त ईडी जो है वो देश में सरकारें गिराने का काम कर रही है, यानी कि सरकार गिराने का कारण जो है वो ईडी कर रही है। और साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने ईडी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने एक तरीके आतंक भी बता दिया कि इस वक्त ईडी जो वो काम कर रही है, कभी सोनिया गांधी से पूछताछ करती है, कभी राहुल गांधी से पूछताछ करती है। और इतना ही नहीं, न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के साथ ईडी दुर्व्यवहार कर रही है, बल्कि और भी विपक्षी नेताओं के साथ जो है वो ऐसा सलूक कर रही है, जिसकी वजह से इन दोनों जो है ईडी ने देश भर की सरकारें गिराने का काम किया है। और ये सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं ईडी ऑफिस, तो यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है और आगे की जो शांतिपूर्ण धरने की बात कर रहे हैं कांग्रेस, वो शांतिपूर्ण तरीके से अंदर धरना दे रहे हैं। सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही थी, वही सभी सांसद, कांग्रेस के सभी सांसद संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ ईडी का दुरुपयोग के लिए और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और वहीं कांग्रेस मुख्यालय के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं अभी कुछ देर बाद पैदल मार्च यानी कि सत्याग्रह मार्च करने की कोशिश जरूर करेंगे कांग्रेस नेता। और वहीं दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है, हर बार की तरह आज भी जो पूरे छावनी जो है वो उसमें तब्दील कर दिया गया है, पूरे रास्ते में बैरिकेड लगाए गए हैं, रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जितने भी कांग्रेस नेता अंदर आने के लिए जाना चाहते हैं उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके लिस्ट में नाम चेक किए जा रहे हैं, उसके बावजूद ही वो बैरिकेड के उस तरफ जाने का उनका रास्ता जो है वो खोला जा रहा है। एक बार पीछे की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि आप पीछे देखिए, ये रोड है, रोड पर जी ज्योति, तमाम जानकारी आपके देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी ज्योति सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है सोनिया गांधी और उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है।